नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जगदीप धनखड़ मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जगह लेंगे। देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति अक्सर आम आदमी की एक चीज पर बेहद दिलचस्पी होती है, वह है उनकी सैलरी। सवाल मन में उठता है, आखिर इन बड़े लोगों की सुविधाएं और क्या सैलरी मिलती होगी? वो जानना आप भी अगर चाहते हैं कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है, इसके अलावा वह किस तरह से भत्तों के हकदार होते हैं और कौन से पावर उन्हें मिलती है, क्या पोजीशन उनकी होती है, अगर आप भी उपराष्ट्रपति की सैलरी जानना चाहते हैं तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आज हम लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी की बात की जाए तो इसको तय करने को लेकर नियम साफ हैं। वह संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत तय की जाती है। उपराष्ट्रपति की वैसे तो कोई अलग से सैलरी तय नहीं होती है, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई देश में प्राविधान ही नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति दरअसल राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, लिहाजा सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सांसदों की सैलरी के साथ ही उनकी सैलरी में भी बदलाव होता रहता है, यानी जब जब लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की सैलरी बढ़ती है उसी हिसाब से उपराष्ट्रपति यानी सभापति की सैलरी में भी परिवर्तन होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति की पेंशन का प्राविधान भी सभापति के तौर पर मिलने वाली सैलरी से ही तय होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जो कि सैलरी के 50% के हिसाब से तय होती है उनकी पेंशन। संविधान के प्रावधान किया गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी मिलती है। इसके साथ ही उन्हीं के हिसाब से उनको प्रिविलेज मिलती है, यानी उनके भत्ते राष्ट्रपति के बराबर हो जाते हैं, यानी उस स्थिति में उपराष्ट्रपति की सैलरी राष्ट्रपति जितनी होती है। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति जैसी सुविधाएं मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन के साथ तमाम तरह की सुविधाएं भी राष्ट्रपति की तरह ही मिलती हैं। फिलहाल उपराष्ट्रपति को हर महीने सभापति के तौर पर 4 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। सैलरी में रिवीजन साल 2018 के बजट में हुआ था। इसके अलावा उन्हें भत्ते और पेंशन की सुविधाएं भी मिलती हैं। उन्हें ट्रेन और हवाई सफर मुफ्त मिलता है, चिकित्सा, डेली अलाउंस, गाड़ी, लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन की सुविधा और साथ में सुरक्षा स्टाफ भी इसमें शामिल होता है। अब सवाल आता है उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होते हैं, यानी उसका मुखिया होता है। अब सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालते हैं। अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई जगह नहीं है, यानी राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, तो उपराष्ट्रपति को उनकी भूमिका निभानी होती है, लेकिन ये महज 6 महीने तक वो निभा सकते हैं। उसके बाद नया राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक इसके योग्य, हालांकि उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। हालांकि उनके पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जनप्रतिनिधियों की पसंद से होता है। इनके चुनाव में लोगों की सीधी कोई भागीदारी नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके लिए मतदान करते हैं। यह वोट गोपनीय रखा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के उलट इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। वह निर्वाचन अधिकारी को सूचित करके अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। अभ्यर्थी के नाम कम से कम 20 मतदाताओं का सपोर्ट होना चाहिए, यानी प्रस्ताव 20 सदस्य करते हैं। इतने ही मतदाताओं के समर्थन की उन्हें जरूरत भी होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।